22 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। वो फर्जी पासपोर्ट केस के मामले में 7 साल की सजा काट रहा है। वो कभी दाऊद इब्राहिम का खास दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब उसका जानी दुश्मन है। माया नगरी का वो डॉन छोटा राजन 1993 में मुंबई धमाकों के बाद दाऊद से अलग हो गया था। दाऊद उसे मारने की फिराक में रहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। भारत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद बड़े गैंगस्टरों में दूसरे नंबर पर छोटा राजन का नाम आता है। दाऊद से जान का खतरा देखते हुए छोटा राजन आसानी से गिरफ्तार होकर भारत आ गया। उसे 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन CBI इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई क्राइम ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पुलिस के साथ इंटरपोल ने मिलकर किया था। फिर उसे दिल्ली लाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। छोटा राजन के भारत आने से पहले विदेश में कई बार दाऊद और उसके गैंग के बीच टकराव हुआ था। कई लोग मारे गए, लेकिन वो पुलिस और दाऊद की नज़रों से बचता रहा। छोटा राजन हमेशा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए कॉल करता था। 24 अक्टूबर 2015 को उसने किसी व्हाट्सएप नंबर से कॉल किया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने टैप कर लिया था। छोटा राजन का जन्म 1960 में मुंबई के चैम्बूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। उसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे है। प्यार से उसे नाना या सेठ भी बुलाते थे। 10 साल की उम्र में उसने फिल्मों की टिकट ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। फिर वो राजन नायर गैंग में शामिल हो गया। जुर्म की दुनिया में नायर को बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र सदाशिव निकलजे नायर का दाहिना हाथ बन गया, इसलिए लोग इसे छोटा राजन कहने लगे। बड़ा राजन मरने के बाद छोटा राजन ने इस गैंग की कमान संभाली। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम से इसकी दोस्ती हुई और दोनों साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का धंधा करने लगे। साल 1988 में वो दाऊद के पास दुबई चला गया। फिर दाऊद और राजन मिलकर भारत के अलावा कई देशों में गैर कानूनी धंधे करने लगे। मुंबई में दाऊद और छोटा राजन तूती बोलने लगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको अलग कर दिया। कहते हैं बाबरी मस्जिद कांड के बाद 1993 में मुंबई बम धमाके हुए। इस कांड में दाऊद का नाम आया तो छोटा राजन ने खुद को दाऊद से अलग करके नया गैंग बना लिया और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसके बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते रहे। दाऊद ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला करवाया, लेकिन उसकी तकदीर उसे बचाती रही। साल 2000 में बैंकॉक के एक होटल में दाऊद के लोगों ने छोटा राजन पर हमला किया। कई राउंड फायरिंग हुई, लेकिन वो बचकर भाग निकला। कहते हैं उसे बचाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का भी हाथ था। बैंकॉक में हुए हमले का बदला लेने के लिए हवाला कारोबार संभालने वाले उसके भाई रवि और विमल ने साल 2003 में दुबई के एक क्लब में छोटा शकील के करीबी शरद शेट्टी की हत्या कर दी थी। साल 2014 में खबर उड़ी कि डी कंपनी के जाने दुश्मन छोटा राजन की मौत हो गई है। छोटा राजन की किडनी पहले से ही खराब थी। डायलिसिस के दौरान उसकी हालत खराब हुई और उसके मरने की खबर फैल गई। इसके बाद छोटा राजन ने फोन पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने की झूठी खबर दाऊद इब्राहिम फैला रहा है। छोटा राजन पर भारत में 65 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। राजन नायर गैंग में काम करते हुए उसके खिलाफ पहले ही अवैध वसूली, धमकी, मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। दाऊद से हाथ मिलाने के बाद उसके जुर्म की फेहरिस्त और लंबी हो गई। उसके खिलाफ 20 से ज्यादा लोगों की हत्या के मुकदमे दर्ज है। साल 2011 में मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में भी छोटा राजन का हाथ माना जाता है। भारत में पुलिस का शिकंजा टाइट हुआ तो अंडरवर्ल्ड के इस डॉन ने अपना कारोबार विदेशों में जमा लिया। दाऊद से बिगड़ी तो दुबई में काम बंद करके उसने मलेशिया के जकार्ता शहर में डांस बार, डिस्को और नाइट क्लब खोल दिए। फिर थाईलैंड में भी ऐसा ही कारोबार खड़ा कर दिया। जुर्म की दुनिया में छोटा राजन की पत्नी सुजाता निकलजे का भी सिक्का चलता था। साल 2006 में उस पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज हुआ था। उसकी 3 बेटियाँ हैं, जिनमें से एक इंजीनियर है, दूसरे ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। राजन की पत्नी सुजाता उर्फ नानी अभी भी चैम्बूर के तिलक नगर में रहती है। एक बार मुंबई पुलिस ने उसे बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में हिरासत में लिया था। छोटा राजन और सुजाता की शादी में दाऊद इब्राहिम भी शामिल हुआ था। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।